दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं 4G फोन से 5G में स्विच करने के लिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अक्टूबर 2022 में 5G लॉन्च हो चुका है और जियो और एयरटेल का 5G ट्रायल चल रहा है। मैं नहीं मानता। क्या आप लोगों को नहीं पता था? क्या 5G लॉन्च हो गया? पता है, लेकिन 5G फोन नहीं है। अरे यार, ये वीडियो आप ही के लिए है भाई। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन इन अंडर 20,000 रुपए। दोस्तों एक क्राइटेरिया सेट कर ले रहे हैं, जब हम 20,000 रुपए खर्च कर ही रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिकेशन और कुछ फीचर्स वगैरह हमारे मुताबिक जरूर होने चाहिए। सबसे पहला 5G तो होना ही चाहिए। कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नॉट ओनली हाईएस्ट मेगापिक्सल, 90Hz से लेकर 120Hz तक की रिफ्रेश रेट होनी चाहिए और प्रोसेसर 4th Gen 1 Snapdragon 695 और MediaTek का G90T। अगर इसके सिमिलर भी होगा तो भी चलेगा। और वेरिएंट 128GB होना चाहिए, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए, 4500mAh से 5000mAh की बैटरी होनी चाहिए। दोस्तों ये लिस्ट हमने कुछ नंबर 5 से लेके नंबर 1 तक इस तरीके से रखी है। नंबर 5 पर आता है सैमसंग का A14 5G। दोस्तों अगर आप सैमसंग लवर हैं और सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो वो भी 5G में, तो ये फोन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये ए सीरीज का स्मार्टफोन है और ए सीरीज के स्मार्टफोन ज्यादातर बहुत महंगे होते हैं और सैमसंग ने पहली बार ए सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया है, वो भी 20,000 रुपए की रेंज में। अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया 5G सपोर्टेड है। इंडिया में 6 से 7 बैंड मिल जाएंगे देखने को और 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी। LCD डिस्प्ले है भाई, LCD डिस्प्ले है, इसीलिए हमने इसको टॉप 5 पे रखा है। दोस्तों अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें हमने बाल की खाल निकाली है, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं आगे के फीचर्स के बारे में। 90Hz की रिफ्रेश रेट, 50MP का मेन कैमरा, जैसा कि हमने कहा था कैमरा क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, ना कि नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स, और 2MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा जो कि इतने खास नहीं है, और फ्रंट में 16MP का सोनी 471 का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और प्रोसेसर एक्सिनोस 1330 का प्रोसेसर जो हमारे क्राइटेरिया की लक्ष्मण रेखा से बिल्कुल ऊपर है। बैटरी 5000mAh की है 15W की फास्ट चार्जिंग के साथ। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपये की बात करें तो ये वेरिएंट 20,999 रुपये का अमेजोन पे है, और अगर आपके पास कोई बैंक ऑफर है यानी कि कोई क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो ये आपको 1500 रुपये डिस्काउंट पे मिल जाएगा, यानी कि आपको ये 19,500 रुपये का पड़ेगा। नंबर 4 रिजर्व किया है OnePlus Nord CU2 Lite ने। दोस्तों अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि OnePlus का कोई सस्ता फ़ोन आए तो भाई इससे सस्ता फ़ोन नहीं हो सकता इस बजट में। ये 5G फ़ोन है और अगर अपने दोस्तों या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने थोड़ा इंप्रेशन जमाना चाहते हो तो ये फ़ोन बढ़िया रहेगा इस रेंज में। इसकी डिस्प्ले 6.59 इंचेस की है और 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी और कैमरा क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया, 64MP का कैमरा मिल जाएगा इसमें। लेकिन यार एक बेकार बात है कि इस कैमरे से लड़कों की फोटो ही अच्छी आएंगी। मुझे अपने घर जाना है। अरे नहीं यार, सबके फोटो अच्छे आएंगे, लड़का हो या लड़की। इसमें 2MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर मिल जाएगा जो कि आपकी नॉर्मल यूजर्स के लिए बढ़िया है। स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर और भाई साहब 5000mAh की बैटरी मिलेगी 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ, और ये अमेजोन पे आपको 18,999 का मिल जाएगा और इस पर भी आपको 1,000 से 1,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों डिस्काउंट की बात आ रही है तो आई बटन पे एक और वीडियो है हमारी जो कि कीपा से लेके है, ये वीडियो आप इन सारे फोनों को लेने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। नंबर 3 पर आता है Realme 10 Pro। ये महाशय भी किसी से कम नहीं है, इस फोन में भी बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स हैं, इसीलिए ये फोन नंबर 3 पर आता है। इसमें सबसे पहला तो वो 5G है ही, और 6.72 इंचेस की बड़ी सी फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, और कैमरे की बात करें तो कैमरा क्वालिटी ही नहीं मेगापिक्सल भी बहुत बड़े हैं, यानी कि 108MP का कैमरा मिल जाएगा वो भी सैमसंग का। भाई सैमसंग बहुत हर जगह अपना रोल प्ले कर रहा है और अपने फ़ोन में चाहे वो अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस ला पा रहा है नहीं, लेकिन दूसरे फ़ोनों में उसका बहुत तगड़ा हाथ है, गजब बेइज्जती है। बट यार इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलेगा, 2MP का मैक्रो सेंसर मिल जाएगा और फ्रंट में 16MP का वो भी सैमसंग का ही सेंसर है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अच्छा कैमरा है, सेल्फी कैमरा भी इसका, और परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर मिल जाएगा और भाई बैटरी 33W की सुपर वोक चार्जिंग स्पीड के साथ
5000 mAh की बैटरी मिलेगी और ये आपको 18,999 रुपए का मिल जाएगा। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है Redmi Note 12। दोस्तों हमें Realme 10 Pro और Redmi Note 12 में थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि किसे हम नंबर 2 पर रखें और किसे नंबर 3 पर रखें, क्योंकि Redmi Note 12 में डिस्प्ले क्वालिटी Realme 10 Pro से थोड़ी अच्छी है और कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है। इसी वजह से हमने Redmi Note 12 को नंबर 2 पर रखा है। ये फ़ोन 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है इसमें और कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड सेंसर थोड़ा बड़ा है, 8 मेगापिक्सल का है और मैक्रो सेंसर 2 मेगापिक्सल का है। और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा और स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि तगड़ा प्रोसेसर है, बहुत अच्छा है। इसका एंटीटू स्कोर भी बहुत हाईएस्ट है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है 33W की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। और मनी भाई की बात करें तो ये आपको 19,999 रुपए का मिल जाएगा। फाइनली नंबर 1 पे चलते हैं, द किंग ऑफ दिस सीरीज, पोको X5 प्रो 5G। दोस्तों ये फोन काफी बढ़िया है, इसीलिए हमने इसको नंबर 1 पे रखा है। इसमें बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें डिस्प्ले से लेके परफॉर्मेंस से लेके सब बहुत बढ़िया है। 6.67 इंचेस की नैरो बेजल एंड प्रीमियम ग्रेड एमोलेड डिस्प्ले, सिर्फ इतना ही नहीं 10-bit डिस्प्ले जो कि DCI-P3 ब्रॉड कलर गैमेट है, जो कि ओवरऑल आपकी वीडियो एक्सपीरियंस को, एक्यूरेसी को और वाइब्रेंट को, कलर क्वालिटी को बहुत इन्हेंस करेगा। यानी कि आप वीडियो देखोगे तो वीडियो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगेगी और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी, यानी कि आप इसमें 30 से लेके 120 हर्ट्ज तक एडजस्टेबल रिफ्रेश रेट के साथ अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो। और इसमें डॉल्बी साउंड भी है। और अभी रुको, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा जिसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड पे। और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी बहुत अच्छा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर मिल जाएगा। और फ्रंट में बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और स्टोरेज में भी कुछ खास है, 8GB रैम होने के साथ इसमें 5GB की वर्चुअल रैम भी मिल जाएगी, यानी कि आपको 13GB की टर्बो रैम मिल जाएगी जो कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को और बूस्ट करेगी। और प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन का 778G, भूकंप मचाने वाला प्रोसेसर। और बैटरी भी कुछ खास है, 5000 mAh की बैटरी है और 67W की फास्ट चार्जिंग के साथ। और इसकी प्राइस की बात करें तो Flipkart पे आपको ये 22,999 का मिल जाएगा, लेकिन ऑफर्स चल रहे हैं, ऑफर्स के टाइम पे लेंगे तो आपको ये 21,000 या फिर 20,000 से कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि हमारी लिस्ट में ही आता है ये फ़ोन। तो ये थे हमारे टॉप 5G स्मार्टफोन अंडर 20,000। और इन सभी स्मार्टफोन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो अभी भी 4G फोन यूज़ कर रहे हैं तो आप उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके।